रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के सी मोड़ के एक कार्यालय से बीते दिनों हुई लाखों के मोबाइल की चोरी का खुलासा हुआ है। दरअसल मामला दर्ज कराए जाने के बाद सैमसंग सपोर्ट के जरिए लोकेशन ढूंढा गया और उसका लोकेशन जगन्नाथपुर थाना स्थित शहीद मैदान के खेत में मिला। लेकिन जैसे ही पुलिस पहुंची सभी चौंक गए। चोरी किए गए लैपटॉप और मोबाइल सड़क किनारे रहने वाले लोगों के पास मिले हैं। पीड़ित ने बताया कि सीसीटीवी में ये लोग मोबाइल और लैपटॉप चोरी करते नजर आए। पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है इस मामले में। तो लाखों के मोबाइल लैपटॉप चोरी का खुलासा कर लिया गया है। सैमसंग सपोर्ट के जरिए लोकेशन का पता लगाया गया। उसके बाद फिर पुलिस वहां पर पहुंचती है और एक खेत के पास से इन सामानों को बरामद करती। कई लोगों के हाथों में मोबाइल फोन जो चोरी हुए थे वो देखा गया, लैपटॉप था। सीसीटीवी फुटेज में भी चोरी की यह वारदात कैद हो गई थी और इस पूरे मामले में पुलिस पूछताछ कर रही है। तो मोबाइल लोकेशन सपोर्ट से मामले का खुलासा हुआ है। तो आज के ज़माने में अगर कहीं चोरी होती है मोबाइल फ़ोन की, लैपटॉप की, इस तरह के गैजेट्स की चोरी होती है तो टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया है कि जहाँ लोकेशन है चोरी करके इन सामानों को जहाँ रखा गया है या जिन्होंने चोरी की है बहुत हद तक उसकी जानकारी इससे निकाली जा सकती है। और इसी की एक ये बानगी देखिए आयुष का रुख करते हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आयुष देखिए अब टेक्नोलॉजी कितना एडवांस हो गया है कि अगर इस तरह के गैजेट्स की चोरी होती है, मोबाइल फोन्स की चोरी होती है, नए मोबाइल फोन्स की, लैपटॉप की, तो वो पता लगाया जा सकता है कि आखिर ये चोरी के माल कहाँ पर है। इसी सैमसंग सपोर्ट के जरिए पता लगाया गया कि खेत में ये सामान पड़े हैं। कई लोगों के जो आसपास वहां रह रहे थे उनके हाथों में इस तरह के जो फोन है, गैजेट्स है, वो मिले हैं। तो पुलिस को कामयाबी मिली है। पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे इस मामले में। मैं पहले ये बताना चाहूंगा कि टेक्नोलॉजी पुलिस से आगे निकल गई। देखिए जिशांत, पुलिस ने मामला दर्ज तो कर लिया लेकिन छानबीन करने में इतनी देरी कर दी कि पीड़ित उससे पहले उसका लोकेशन निकाल लिया। पुलिस को बकायदा थाने जाकर बताया कि भाई साहब ऐसा ऐसी जगह पे मेरा मोबाइल लोकेशन बताया जा रहा है। हालांकि ये भी गौर करने वाली बात है कि जो जब चोरी हुई थी तो पूरी वारदात जो है सीसीटीवी में कैद हो चुकी थी, तो ऐसे में उनका ढूंढना आसान हो गया। वो मौके वारदात पे जो है अगर पुलिस पहुंची और खेत में एक मोटी पोटरी था, उस पोटरी में कह सकते हैं कि लैपटॉप मिला और एक मोबाइल मिला। हालांकि दूसरा मोबाइल उनका नहीं मिल सका, दो मोबाइल की चोरी हुई थी। लेकिन उस जो कह सकते हैं जो महिला है और उनके साथ जो कई पुरुष हैं जो फरार हो गए, हालांकि महिला को पुलिस थाने ले आई और पूछताछ कर रही है, इनके पास कई और मोबाइल मिले हैं। तो अब सोचिए जिशांत, जिस सड़क को हम किनारे देख कर लोगों को दया करते हैं, ऐसे लोग अगर कारनामे करेंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे। हालांकि तमाम चीजों पर यह चीज जरूर सामने आया है कि आप जब भी कोई गैजेट खरीदें तो उसमें तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं, जब आपकी चोरी होने के बाद उसके लोकेशन ट्रैक करने के लिए जो व्यवस्था दी गई है आप उसे चालू रखें, तब जाकर कहीं ना कहीं आप सुरक्षित हैं और कहीं ना कहीं पुलिस से जो छानबीन करती है उससे पहले उस चीजों को आप ढूंढ लेंगे। जी जिशान, तो आयुष जितनी चोरी हुई थी जितने सामानों की, क्या लगभग सभी बरामद कर लिए गए या फिर अभी और भी उसमें बाकी है बरामद करना? आयुष, दो मोबाइल और एक लैपटॉप चोरी हुआ था सिंह मोड़ से। अच्छा। बीते 3 दिन पहले चोरी हुई थी, मामला दर्ज कराया गया था। अच्छा, उसके एक ही मोबाइल उसका और एक लैपटॉप मिल चुका है लेकिन एक मोबाइल गायब है। हालांकि उस महिला का कहना है, जिस महिला के पास मिला है उस महिला का कहना है कि उनके जो पति है, जो हस्बैंड है, उनके पास वो मोबाइल है पर वो फरार चल रहा है। अगर वो पहुंचता है तो सारे सामान की बरामदगी हो। लेकिन गौर करने वाली बात है कि महिला के पास से कह सकते हैं जिसके पास ना ही छत है, ना खाने पीने के लिए पैसे हैं, ना बदन पे अच्छे कपड़े हैं, उसके पास लगभग 4 ऐसे मोबाइल मिले हैं जो लगभग 20,000 रुपए से ऊपर के हैं। तो किसान समझिए कि अब छानबीन में ही पता चलेगा कि बिल्कुल किन लोगों के मामले में छानबीन होनी चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आयुष तमाम जानकारी के लिए। सड़क किनारे रहने वाले लोगों के पास में चोरी के सामान मिले, पुलिस इस मामले की छानबीन में आगे जुट गई है।